सेलिब्रिटी इसको समझ लीजिए आप। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हाँ। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सहदेव नाम है इस बच्चे का जिसे आप देख रहे हैं ना, ये इस समय आज की डेट में ये एक तरह से सेलिब्रिटी इसको समझ लीजिए आप। ये रातों रात इसकी ज़िंदगी बदल गई। इसकी किस्मत तेज थी ज़रूर, पर ये पहले भी मेहनत करता था। इस बंदे को हमने देखा जब BFTS म्यूजिक करके एक स्टूडियो है जिसके डायरेक्टर करण लाल यादव जी हैं। उस स्टूडियो में ये आज से 2 साल पहले से ही गाना रिकॉर्ड करवाता रहा है, मतलब गाना गाता वगैरह रहा है। इसकी आवाज़ एक्चुअली बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्यारी है, इसकी आवाज़ में दम है, इसलिए ये गाना वगैरह शुरुआत से ही गाता रहा है बच्चा। हालांकि इसके जबान में उतनी क्लियरिटी नहीं है, हमने एक स्टूडियो के म्यूजिक में देखा, उसमें मिला तुमको काल मिला था रियाज यार किए हो जा क्या होता है ओ बिल्कुल ओ बोलना ओ वो जैसे होता है वो लड़की, तो ये वो लड़की बोल देता था बार बार। मतलब जवान में क्लियरिटी नहीं थी, फिर भी ये पूरी कोशिश मन लगा के जी जान लगा के अपना ये गाना रिकॉर्ड करवाता रहा, और आज देखिए कि एक सक्सेसफुल बच्चा रहा है। इसकी उम्र अभी महज 8-10-12 साल होगी, पर आज की डेट में भाई इसकी रात और रात ज़िंदगी बदल गई है। हम आपको बता दें शायद ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है लड़का, और हाँ आप बादशाह को जानते हैं ना, सिंगर हैं। उन्होंने इसे हेलीकॉप्टर से बुलाया और वापस भी हेलीकॉप्टर से ही ये आया था। इसका ये गाना जो हमने आपको बताया, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, बहुत ही वायरल हुआ, खूब वायरल हुआ, यहाँ तक कि 35,000 से ज़्यादा, अब समझिए 35,000 से ज़्यादा वीडियो बना है सिर्फ इस बच्चे के। अब व्यूज़ कितने आए होंगे, अनलिमिटेड, किसी पे 35 मिलियन, किसी पे 40 मिलियन, किसी पे 20 मिलियन, किसी पे 5 मिलियन, किसी पे एक दिन में ही 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। अभी मैं इसका एक जब सर्च किया YouTube पे, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, एक वीडियो है आप ये देख लीजिए, ये कल का वीडियो है, एक दिन है वो, और यहाँ पे 3 मिलियन व्यूज़, आप ज़रा गौर करेंगे ना 3 मिलियन व्यूज। तो ये समय बंदा इसमें खूब वायरल हो रहा है, हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं आप वापस आ रहा है बंदा। तो इसकी तो किस्मत बदल गई है, बहुत अच्छी बात है। काश सबके साथ ऐसा हो, लेकिन सबके साथ तो होना इम्पॉसिबल है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, चाहे गाना का हो, डांसिंग का हो, आपका कोई भी टैलेंट हो ना, आप कोशिश करिए उसे बाहर निकालने की, कोई ना कोई माध्यम खोजिए। अब देखिए किसी के पास फ़ोन नहीं है तो आप दूसरे के फ़ोन से रिकॉर्ड करवाइए, कुछ ना कुछ माध्यम आप, अगर देखिए आपके पास नहीं है मानता हूँ, पर आप खोज सकते हैं, माध्यम जुगाड़ निकाल सकते हैं। ये हमारा भारत है, और भारत में उत्तर प्रदेश तो और भी जुगाड़ू राज्य है, यहाँ पे बहुत सारे, उत्तर प्रदेश ही नहीं है, बहुत सारे ही हैं। तो आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हैं ना, तो कोशिश करिए कि आप अपने टैलेंट को लोगों तक पहुँचाइए, और वो एक ही माध्यम है यूट्यूब, फेसबुक, मतलब कैमरे के माध्यम से। किसी के फ़ोन से आप रिकॉर्ड करवाइए, आपके पास नहीं है दूसरे से रिकॉर्ड करवाइए, आप डांस करते हैं डांसिंग करिए, वीडियो डलवाइए, अपलोड करवाइए, और हो अगर आपकी किस्मत चाहेगी तो आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे, जिस तरह से ये बच्चा गया है। और इस बच्चे को सहदेव ने बुला लिया था, उठा लिया है, अब उनकी कस्टडी में, मतलब उनके अंडर में ये सॉन्ग वगैरह गाएगा, बच्चा निकालेगा जो भी है। तो ये बहुत ही वायरल हुआ, खूब वायरल हुआ, अब इसे कोई रोक नहीं सका आगे जाने से, किस्मत अच्छी थी आगे चला गया, और अच्छी बात है। हालांकि किस्मत तो अच्छी थी, बट देखिए इस बंदे ने सच में मेहनत किया है। हम आपको एक वीडियो और भी दिखा देते हैं, क्या पूरा चैनल ही, स्टूडियो ही दिखा देते हैं जहाँ बच्चा पहले से ही गाने की कोशिश कर रहा था, 2 साल पहले से ही। जब ये गाना जो ये गाया है ना, ये 2 साल पुराना गाना था, और आज जाके ये ट्रेंड बन गया है, मतलब बहुत ही वायरल हो रहा है, अब भी चल रहा है, आज भी बच्चे को देख रहे हैं। अब अभी पूरी तरह से सच बोलूँ ना, ये वायरल भी नहीं हो पाया है,
मतलब आज भी लोग देखे जा रहे हैं, मतलब अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन पे दिन आप देखेंगे इस बच्चे का वीडियो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो ने धूम मचा दिया है, इस वीडियो ने बचपन का प्यार मेरी जान में। तो इस तरह से आप भी अपनी जो भी टैलेंट है, मैं तो ये बताना चाहूँगा, जैसे मैं वीडियो वगैरह जो भी मेरा पॉसिबल है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आपका काम है डांस वगैरह, अच्छा लगता है डांस करिए, पढ़ाई से रिलेटेड टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग जैसे खान सर को देखा है आपने ना, तो टीचिंग में उनका इंटरेस्ट था बट ऑफलाइन थे, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन आए, और आज देखिए 2020 में पूरे भारत का नंबर वन टीचिंग चैनल उनका बन गया है। अगर वो लॉकडाउन नहीं आता तो शायद वो ऑनलाइन भी नहीं आ पाते, यूट्यूब पे उनका इतना वो ग्रोथ भी नहीं हो पाता। तो देखिए, अब वीडियो कैमरा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, अपना जो भी टैलेंट है सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, ज़रूर आप आगे जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो का मकसद मुझे यही बताना था। अब वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, न्यूज़ के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करिएगा, चाहे पब्लिक पे देख रहे हैं फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।